इस समय हम गाजियाबाद में खड़े हैं, जो कि जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सपा पार्टी के फिदा हुसैन जी के ऑफिस के सामने। अभी फिदा हुसैन का काफिला अभी गाजियाबाद में एक मीटिंग होने जा रही है, इनके सम्मेलन होने जा रहा है सरोनी गाजियाबाद में, और पूरी तरीके से तैयार इनका काफिला खड़ा हुआ है जाने के लिए। और फिदा हुसैन जी के ऑफिस पर हम खड़े हैं इस समय, और ये देखिए आपके सामने फिदा हुसैन सारी काम काफिला खड़ा है जाने के लिए तैयार। प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं, जो फिदा हुसैन अंसारी भी साथ में, और प्रदेश उपाध्यक्ष साबिर अली जो कि आज नए जुड़े हैं पार्टी से, वो भी साथ में मौजूद है। ये काफ़ी सभी लोग प्रदेश उपाध्यक्ष साबिर अली जी और पार्टी के सभी नगर अध्यक्ष और प्रमुख नेता जो कि गाजियाबाद जिले के हैं, काफ़ी सभी उस सम्मेलन में भाग लेने जाने की तैयारी में है। अभी हम इस समय गाजियाबाद में उपस्थित हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यक सभा का जो सम्मेलन समाजवादी पार्टी तरफ से होने वाला है, यहाँ पर फिदा अंसारी जी मौजूद हैं, आइए जाने उनसे। अंसारी साहब, अभी जो यहाँ पे हम सब मौजूद हैं, ये जो आपका सम्मेलन होने वाला है, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो सम्मेलन आज यहाँ होने जा रहा है जी, ये हमारे जिला अध्यक्ष फिदा हुसैन साहब करा रहे हैं जी। इसका सिलसिला चल रहा है पूरे यूपी में, 25 जिलों में सम्मेलन हो चुका है, कई जगह मंडलीय सम्मेलन भी हो चुके हैं। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए ये गाजियाबाद लोनी में ये सम्मेलन है, और इसका मकसद ये है कि एक तो देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं फिरका परस्ती के माध्यम से, और वो नफरत फैला रही हैं, जबकि हज़ारों साल का भाईचारा सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के चले आ रहे हैं, तो हमें उनसे लड़ाई लड़नी है मुलायम सिंह यादव साहब की क़यादत में, कि देश एक रहेगा, देश टूटेगा नहीं, और देश में अच्छा माहौल रहेगा भाईचारे का, तो इस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव साहब हिंदुस्तान के सेकुलर हीरो हैं, वही एक ऐसे हैं जो आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और लड़ रहे हैं। तो एक तो हम एकजुट होकर, खासकर अकलियत समाज के लोग जो है, उनकी और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम एक होकर मुत्तहिद होकर फिरका परस्तों से लड़ें और उनको उनके मंसूबों को नाकाम करें। और इसके अलावा हमारे नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो सबसे नौजवान है यूपी के, उन्होंने विकास को गति दी है, जितनी तेज़ रफ्तार विकास किया है लोगों ने सोचा नहीं था, जो अखिलेश जी कर रहे हैं बहुत जगह, तो लोग उनकी राज्य नकल कर रहे हैं, तो उन्होंने जो किया है उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है कि हमारी ये उपलब्धियां हैं, हम किसी और चक्कर में नहीं पड़े, सिर्फ विकास विकास और विकास हमारा उद्देश्य रहा है, तो ये सब उपलब्धियां सबको बताएंगे। और अकलियत समाज के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि सदियों से ये उपेक्षित ये लोग रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने काम किया है, मुलायम सिंह साहब ने उनकी आवाज़ उठाई है, इंसाफ देने की बात कही है और दिया भी है, और अखिलेश यादव ने भी इंसाफ किया है और दिया भी है। अभी 3500 जो मुअल्लिम उर्दू की भर्ती वो अखिलेश यादव जी ने की है, अभी 3500 लोग भरे गए हैं, उर्दू को सम्मान मिला है, इससे पहले भी उर्दू को सम्मान नेताजी ने दिया था, ये कहा था कि उर्दू ने जंग आज़ादी में रोल अदा किया, उर्दू ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसको हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने नारे को लगा के या तो जेलों में गए, काले पानी की सजाएं काटी, या फांसी के फंदे को चूमा है, तो ये इसलिए जो है उर्दू का सम्मान उन्होंने दिया, कहा रोजी रोटी से जोड़ेंगे, और 2500 उर्दू टीचर और ट्रांसलेटर अपने ज़माने में उन्हें जोड़े थे। मदरसों को बसपा वगैरह बीजेपी कहते थे ये जो है नफरत फैलाने के अड्डे हैं, मुलायम सिंह साहब ने कहा नहीं, ये सब यहाँ अच्छे इंसान बनाए जाते हैं, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं ताकि अच्छे शहरी बने, और यहाँ वतन परस्ती भी सिखाई जाती है, क्योंकि इस्लाम से जुड़े मदरसे होते हैं, और इस्लाम का एक जो महत्वपूर्ण अंग है, जो महत्वपूर्ण जुज है, वतन परस्ती, कि जिस देश में रहो उसके उससे प्यार करो, और अगर कोई संकट आता है तो अपना तन बंधन से बचाओ उसे, और अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, इसलिए मदरसों को उन्होंने अनुदान सूची पर जोड़ा। अखिलेश जी ने 100 मदरसे अनुदान सूची पर लिए और 50 और मदरसे लेने की प्रक्रिया चल रही है,
अनुदान सूची का मतलब ये होता है कि उनके टीचर्स, ये लोग सब एम्प्लाइज़, ये सब सरकारी खजाने से जुड़ जाते हैं और सरकारी पे ग्रेड जो है, सरकारी ग्रेड है, उसके हिसाब से उनको सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती है। इसलिए सब सरकारी टीचर्स हो जाएंगे मदरसे के लोग, ये मुलायम सिंह साहब ने किया। तो इस ढंग से एक काम के बहुत जाने कितने काम हैं, जो बुनकरों को पेंशन दे दी कि 60 साल के ऊपर के बुनकर हो जाएंगे उनको पेंशन। और सबसे बड़ी चीज़ है, पिछली सरकार में अकलियतों में खासकर एक दहशत का माहौल रहता था, तो अखिलेश जी की सरकार ने वो दहशत का माहौल ख़त्म किया है। पहले जो हमारे मजहबी लोग खासकर और तलबा जो मदरसों के होते थे, वो जब जाते थे, लखनऊ आते थे, चारों तरफ डरे रहते थे कहीं हमें उतार के जेल ना भेजे जाए फर्जी आतंकवाद की धाराओं में। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अखिलेश जी की सरकार ने एक भी, इनकी सरकार में एक भी मुस्लिम नौजवान आतंकवाद की फर्जी धाराओं में जेल नहीं भेजा गया है। तो ये एक दहशत का माहौल उन्होंने ख़त्म किया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अब उनका ये हक बनता है। अखिलेश जी पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है, नहीं तो अक्सर ये मुख्यमंत्रियों का होता है, जिस दिन शपथ लेते हैं उसी दिन से उंगलियाँ उठ जाती हैं। आज तक कोई बेदाग हैं और एक संस्कारों वाले इंसान हैं और बहुत जानकार इंसान हो गए हैं, इस उम्र में बहुत परिपक्व हो गए हैं और बहुत काम किया है, इसलिए उनका हक बनता है कि दोबारा सत्ता में आएँ। तो हम सब मिल के संकल्प लेते हैं, अपने साथियों के साथ दौड़ भी रहे हैं कि अखिलेश जी को हम सब एक होके अपने सारे हिंदू भाइयों के साथ मिल के समाजवादी पार्टी के विधायकों को जिताएंगे और वो लोग हमारे नेता को, अखिलेश यादव को, प्रदेश का मुख्यमंत्री 2017 में फिर उस कुर्सी पर बिठा लेंगे। ठीक। हाल ही में गाजियाबाद में जो चुनाव हुए थे उनमें जो करारी हार हुई, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, अब हम तो लखनऊ में रहते हैं, जब पूरे प्रदेश के चप्पे चप्पे पे निकाह नहीं रहती है, तो इसलिए हम सारी गहराई से सब बातें तो नहीं बताते। आप खुद सोचिए, आप 500 किलोमीटर दूर रहते हों तो कहाँ क्या हो रहा है, हर चीज़ पे निकाह नहीं रहती। इतना हमें मालूम है कि हमारे साथियों ने, फिदा हुसैन साहब ने, इनके सभी साथियों ने, पदाधिकारियों ने बहुत संघर्ष किया था, बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ाया था और इन्होंने अपने इलाके में तो अपने वार्ड से जिता के भी भेजा था। तो मेन चीज़ होती है ईमानदार कोशिश। अब लोग समझ नहीं पाए यहाँ के कि अखिलेश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उनको, उनके लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, तो उनकी गलती हो गई इसलिए हार गए। लेकिन इन लोगों ने बड़ी ईमानदारी से, तो इनका हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, इन लोगों ने ईमानदारी से लड़ाया है और ये लोग फिर ईमानदारी से लड़ाएंगे आने वाले दिनों में, और अब के जो है हमारी जीत होगी, फतेह होगी। जी अंसारी साहब, आप बताइए, अभी आपने साबिर अली साहब को जिला उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है, क्या ये साबिर अली साहब इस पद को दिल्ली में रहकर या फिर कैसे संभाल पाए? नहीं, ये बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये साबिर अली भाई खोड़ा में, इन्होंने, इनका मकान है और जो एड्रेस लेटर पर डला है वो खोड़ा का डला है, और हम इन्हें खोड़ा से प्रभारी के रूप में, चेयरमैनी के रूप में निकालना चाह रहे हैं और इन्हें खोड़ा से नगर पालिका चेयरमैन लड़ने का हमने संकल्प लिया है। इसी वजह से गाजियाबाद में ये अपनी ज़मीनी नेता तैयारी करें, अपनी ज़मीनी तैयारी करें, तो इनका भी नाम होगा और साथ में हमारा भी नाम होगा। इस वजह से हमने इन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया है। अच्छा साहब, आपने फिदा हुसैन साहब, आपने साबिर अली साहब के अंदर क्या खासियत देखी, क्या इनके अंदर देखा? खासियत इनकी देखी हमने, इन्होंने ऐसे प्रोग्राम कराए, ये उपाध्यक्ष नहीं थे, खोड़ा में इन्होंने हमारे प्रोग्राम लगाए और प्रोग्राम हमने देखा, इनके साथ जनता एक आवाज़ मारो तो 5,000 की इनकी भीड़ हो जाती है। इस आधार पर हमने खुश होकर इन्हें जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। ये एक प्रमुख समाज सेवक भी रहे, एनजीओ के अध्यक्ष भी हैं, तो इनके बारे में और बताइए, ये कैसे क्या कर पाएंगे? नहीं, ये सब कुछ सक्षम है खुद ये करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ जो ये समाज सेवी का काम कर रहे हैं, चाहता हूँ मैं आगे तक ये समाज सेवी से भी जुड़े रहें और जनता का भी काम कराएं। इनके साथ हमारी दुआएं साथ हैं, हमारा सब कुछ इनके तन मन धन से हम इनके साथ हैं। धन्यवाद। मलिक साहब, आप भी बताना बताएंगे ये साहब के बारे में?
मैं इनके साथ 20 साल से रह रहा हूँ, इनका पड़ोसी हूँ और जितना लोग इनको मानते हैं, इज्जत देते हैं, शायद मैंने किसी बड़े नेता को भी अपने सामने, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा लेकिन बड़े नेताओं को भी देते नहीं देगा, क्योंकि इनके कारनामे ही ऐसे हैं, लोगों के बगैर पैसे लिए काम कराते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैंने इनके बहुत बड़े बड़े काम देखे हैं, इसलिए मैं इनसे चिपका ही रहता हूँ हर वक्त मक्खी की तरह। ये बहुत इज्जत करते हैं लोगों की, लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। एक आवाज़ पर हजारों आदमी इकट्ठा करने की इनमें ताकत है, इनमें सलाहियत है, इनमें खूबी है, इसलिए जो भी ये कर रहे हैं इनके हक में वो बहुत कम है मैं समझता हूँ, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बात है। जी नगर अध्यक्ष साहब, आप भी कुछ बताएंगे साबिर साहब के बारे में, अभी उपाध्यक्ष बनेंगे और आपका जो सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा पूरा पूरा सहयोग रहेगा इनके लिए, इतना ही कहना चाहूँगा। आपको कुछ कहना चाहेंगे सम्मेलन के बारे में जो आज हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया लग रहा है माशाल्लाह, और मैं हमेशा साबिर भाई के साथ में हूँ क्योंकि 20 साल से इनको जानता हूँ और ये अच्छा ही काम करते आ रहे हैं, अभी तक गरीबों को भलाई करते आ रहे हैं। इनकी सब चीज़ें देख के जुड़ने का दिल किया मेरा और इंशाल्लाह मरते दम साथ रहूँगा इनके। हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश मिला कि आपको गाजियाबाद के अंदर जिला सम्मेलन कराना है। हमने आदेश अपने सर्वे पर रखा है और अपनी कमेटी को तत्काल बुलाया, और हमारी कमेटी ऐसी है एक फ़ोन मारे तो पूरे सब काम छोड़कर हमारी कमेटी खड़ी हो जाती है। हमारी जो कमेटी ऐसी काम करती है कि मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष भी काम नहीं कर सकती, ना मेन बॉडी कमेटी काम करती है। उन्होंने बिना कोशिश किए सब टाइम से पहुंच गए और सब ने जोशी के साथ अपने प्रोग्राम को अंजाम दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई भी आदेश हम पे होगा हम उसे बेखूबी निभाएंगे, और 2017 में हमारे गाजियाबाद से 5 सीट निकले ऐसी हमने मेहनत कर रहे हैं, हमारी कमेटी मेहनत कर रही है। हम आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री दोबारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसी हम आशा करते हैं। जय हिंद जय समाजवाद। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए आज का जो आपका सम्मेलन हो रहा है आपकी कैसी तैयारी चल रही है? यही है कि समाजवादी पार्टी की उपलब्धियाँ और योजना जो धरातल पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उनको समाज में दिखाना है, बताना है और उसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना है। और जो जो सामने सब लोग हमारे जो लोग होंगे वहाँ पर उन लोगों को समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियाँ हैं उनके बारे उन्हीं को बताना है और लोगों को जन जन तक पहुँचाना है, और उसी हर्षोल्लास के साथ एक बार फिर 2017 का जो मिशन है एक बार उसे फिर कामयाब बनाना है बस। तो साबिर साहब आप भी कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम साबिर अली है। वैसे तो मैं दिल्ली रहता हूँ लेकिन खोड़ा में भी काफ़ी टाइम से समाज सेवा चल रही है। खुशी की बात यह है कि मेरे साथ मेरे एक तरफ दोनों नाम राशि एक ही भाई हैं, मेरे बड़े नेता हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। दोस्तों जब तक किसी के गले में किसी का कोई पट्टा नहीं डला होता उसको लोग लावारिस समझते हैं, अगर एक खरगोश भी बालों को निकल के जाए कोई भी पकड़ लेगा, गले में पट्टा है तो डर जाएगा कि यार इसका कोई ना कोई मालिक है। तो मुझे खुशी है कि आज इन लोगों ने मुझे एक लेटर दे करके इस लायक समझा कि भी आप हमारे साथ आइए और काम कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा आज के बाद कि मेरे पास आने वाला कोई भी आदमी मायूस वापस नहीं जाएगा। वैसे तो 20 साल से कोई नहीं गया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यदि मुझे इन्होंने इस लायक समझा है तो मैं तन मन धन से उसकी सेवा करूंगा और पार्टी के लिए दिन रात काम करूंगा और कोई आदमी मुझसे मायूस होकर वापस नहीं जाएगा। इलेक्शन लड़ने का अगर मौका मिले तो आप कैसी तैयारी आपकी? देखिए इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा तो मेरे बड़े भाई और बड़े नेता दोनों साथ में हैं, मैं मशवरा किए बिना कुछ नहीं कह सकता क्योंकि एक पार्टी का क्या हर तरह से तैयार है, मैं हर तरह से तैयार, लेकिन पार्टी के आगे नहीं चल सकते, पार्टी जो हमें लक्ष्य बताएगी हम उसको पूरा करेंगे। देखा यहाँ पर अभी जो एक सामाजिक सम्मेलन होने जा रहा है अल्पसंख्यक समाज का, समाजवादी पार्टी का, इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है आने वाले चुनावों में, सारी इनकी सीटें जीतें विजयी हों इनकी जितनी भी सीटें विधानसभा की। और मैं हमवीर सिंह कैमरामैन हर्ष के साथ।